अगर आपने शिव चालीसा पढ़ी होगी तो उसमें आपने एक लाइन अवश्य पढ़ी होगी जो कि इस प्रकार है, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। अर्थात त्रयोदशी व्रत करने वाले और इस दिन भोलेनाथ के सामने बैठकर शिव चालीसा पढ़ने वाले के जीवन से भोलेनाथ सभी प्रकार की परेशानियों को कलेशों को दूर कर देते हैं। और अब सावन के कुछ ही दिन बचे हैं तो आपको इन सावन के अंतिम दिन और इस विशेष दिन 10 अगस्त सावन की त्रयोदशी के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिव चालीसा जरूर पढ़ना है। इसके बाद आप दो लोटे से जल अर्पित करें और उसके बाद आप 108 अक्षत या फिर कोई भी चीज जो आप अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित करके अपनी मनोकामना बोलते हुए घर आ जाएं। आप अगले सावन में देखना आपकी क्या स्थिति है आज की स्थिति से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।